सुखासन सीजन 3 वो कब आ रहा, किस तारीख को आ रहा, बहुत ज्यादा लोगों का यही सवाल था। तो आज की वीडियो में हम यही पर कवर करेंगे, जो इसका सीजन 3 है वो कब आ रहा, किस तारीख को आ रहा। सो वीडियो पर बने रहे, उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 2023 के अंदर भाई जुजुत्सु कायसन का बहुत ज्यादा नाम हुआ था, बहुत ज्यादा फैन जुजुत्सु कायसन के बढ़ गए थे, बहुत अपर लेवल पर बढ़ गए थे भाई। जुजुत्सु कायसन का कुछ ऐसा ज्यादा क्रेज हो गया था कि यही बताऊं भाई, इसकी मांगा लो, इसका एनिमे लो। जब से ये हिंदी में डब हुआ तो ये तो कुछ और ज्यादा पॉपुलर हो गया था। जो इसका सीजन 2 था वो अभी हाल ही में खत्म हुआ था 2024 में। तो आज की वीडियो में यहाँ पर ज्यादातर लोगों का सवाल रहता है कि जेके का जो सीजन 3 है वो कब आ रहा है, एंड जो इसका सीजन 2 था वो हमें इस साल ही देखने को मिला था। एंड इसके खत्म होते ही माँ बाबा स्टूडियो ने तुरंत ही इसको ऊपर अनाउंसमेंट कर दी भाई, कि हमने सीजन 3 के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। और जी जेके कलिंग गेम आर के ऊपर एक हमें वीडियो भी देखने को मिला, टीजर देखने को मिला। एंड जब से ये टीजर आया है तो सभी लोग अब सोच रहे हैं कि भाई इसका कमबैक कब होगा, कब आ रहा है। अगर लीक्स की बात करें तो भाई बहुत ज्यादा लीक आती रहती है कि भाई ये 2025 में देखने को मिलेगा हमें। और हम भाई माँ बाबा स्टूडियो को अच्छे से जानते हैं, वो इतनी आसानी से तो नहीं ला सकते, क्योंकि जो जीजेके का फर्स्ट सीजन था वो मापा स्टूडियो ने 2020 में रिलीज किया था, और उसके 3 साल बाद फिर सीजन 2 लेकर आए थे। तो हम यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं कि मापा स्टूडियो वाले 3 साल के गैप के अंदर ही ला रहे हैं एनिमे। अगर इसी चीज को ये कंटिन्यू करते हैं तो ये भाई 24, 25, 26, तो भाई अब तुम मान लो ये 26 में आएगा फिर, और तो और ये 2027 भी हो सकता है भाई। तो ये कंफर्म हो चुका है कि हमें अगले साल जीजेके का जो सीजन 3 है वो नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई इसकी एनिमेशन भी काफी अच्छी रहती है, क्योंकि अगले साल जो जीजेके के हैं वो एक मूवी लेकर आ रहे हैं। एंड मैं जानता हूं कि भाई उस मूवी में किसी को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये रीकैप, और तुम ये जानते हो यार कि मापा वाले ये सब तो काम नहीं करेंगे, क्योंकि चैनसो मैन की भी न्यू मूवी आने वाली है। एंड इसके ऊपर मैं पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको पूरी जानकारी दूंगा। और अगले साल यानी कि 2025 में हमें हेल्स पैराडाइज का भी सीजन 2 देखने को मिल जाएगा। तो बस गाइस अब तुम यही मान लो, यही मान के चलो कि 2026 तक हमें जुजुत्सु कायसन देखने को मिल जाएगा। तो गाइस अब बात करते हैं डेंजर इन माय हार्ट, इसके बारे में आपने जरूर सुना होगा। ये काफी ज्यादा लाजवाब एनिमे था एंड काफी ज्यादा पॉपुलर भी हुआ था, जो इसका सीजन 1 भी था एंड इसका जो सीजन 2 था वो भी काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ था। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो इसका सीजन 3 है वो आएगा कि नहीं आएगा, क्या कोई इसके चांस है आने के या फिर नहीं है। तो आज की वीडियो में हम सब यही जानेंगे, सो वीडियो पर बने रहें, उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नाउ बैक टू द टॉपिक, सीजन 2 या सीजन 3 जैसे तो आप सबको पता है इसकी स्टोरी लाइन, मैं थोड़ी ऊपर की समरी बता दूंगा। बात करते हैं थोड़ी इसकी स्टोरी लाइन के बारे में, एनिमे है कैसे। की जो स्टोरी होती है वो सिर्फ 2 कैरेक्टरों के बीच ही घूमती है। हमारी इस एनिमे का जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम है इचिकाबा, फीमेल मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है यामादा। यामादा अपने कॉलेज में बहुत ज्यादा फेमस होती है। बेसिकली इस एनिमे में यह होता है कि जो हमारा इचिकाबा है इससे कोई दोस्ती नहीं करता, ये हमेशा अकेला रहता था, अकेले एक मर्डर वाली बुक पढ़ता रहता था, और जो यामादा है वो उससे सब कोई बात करता था, लेकिन जो हमारा इचिकाबा होता है उसको मारने के तरीके ढूंढता रहता है, लेकिन वो लाइब्रेरी में उसको छुप छुप कर देखा भी करता था, और इसी लाइब्रेरी से इनका प्यार बढ़ जाता है धीरे धीरे करके। और इसके पर एपिसोड में आपको देखने में मजा आएगा, क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत ज्यादा अलग होती जाती है, और इनका स्लोली स्लोली वाला प्यार ये भी काफी ज्यादा मजेदार होता है। नाउ बैक टू द टॉपिक, अब बात करते हैं जो उसका सीजन 3 है वो कब आएगा। तो गाइस मैंने जब इसके ऊपर बहुत पता किया एंड इसके ऊपर जब रिसर्च की तब पता चला कि अभी इसके ऊपर कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है, एंड अभी जो उसका सीजन 3 है वो अभी अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन ये सब मान सकते हैं कि ये शायद हो सकता है, क्योंकि अभी तो कोई पुख्ता रिलीज डेट तो नहीं है, लेकिन हाँ ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये 2025 तक आ सकता है, समय देखने को मिल सकता है। इसलिए रोम कॉम एनिमे जो सेकंड सीजन था वो अभी 2024 में ही खत्म हुआ था, वो भी मार्च के महीने में, 31 मार्च 2024 को। कोई भी एनिमे हो उसको 1-2 साल तो लगते हैं बनने के लिए, एंड यहाँ पर जो उसको मेकर होते हैं या उसको बनाने वाले होते हैं, जो स्टूडियो होता है वो भी देखता है कि भाई ऑडियंस का क्या परफॉर्मेंस है, अगर ऑडियंस का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है तो फिर भाई क्या ही फायदा बनाने का। तो गाइस थोड़ा वेट करते हैं, इसके बाद हम देखेंगे कि आ रहा कि नहीं आ रहा, अगर इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन निकलती है तो मैं वीडियो बना दूंगा, तो तुम टेंशन ना लो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते रहेंगे ऐसे एनिमे कंटेंट के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।